तो एक तरफ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हैं, तो दूसरी तरफ कभी समाजवादी पार्टी की सरकार में नंबर दो की हैसियत रखने वाले आजम खां हैं। दोनों ही इस वक्त टिकट बांटने को लेकर एक दूसरे से उलझे हुए हैं। रामपुर मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के बीच सुबह से ही जबरदस्त घमासान देखने को मिला है। खास तौर से मुरादाबाद सीट पर आजम खां गुट की रुचि वीरा अखिलेश यादव के चहेते प्रत्याशी एसटी हसन पर भारी साबित हुई है। नाराज आजम के आगे अखिलेश यादव को झुकना पड़ा है और आजम गुट की रुचि वीरा को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी मुरादाबाद से बनाया गया। हालांकि बाद में इमाम मोहिबुल्लाह नदवी को रामपुर सीट से उम्मीदवार बनाया है। यहां अखिलेश यादव आजम खां पर भारी साबित हुए। आइए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। जेल में बंद आजम खान से अखिलेश की मुलाकात और फिर रामपुर और मुरादाबाद पर बात के बाद जो तस्वीर आई उसमें सिर्फ कंफ्यूजन और कंफ्यूजन है, क्योंकि सीट दो कैंडिडेट चार के बीच शुरू हुई सियासी तकरार में नामांकन के आखिरी वक्त तक सस्पेंस बना रहा। मुरादाबाद में कंफ्यूजन, पहले एसटी हसन का नामांकन, अब रुचि वीरा का नामांकन। यानी जो एसटी हसन कल तक मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे, टिकट मिलने पर बदला लेने की बात कर रहे थे, अब उनको मुरादाबाद में ही चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि आजम खान का प्रेशर और अखिलेश से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद रुचि वीरा ने समाजवादी पार्टी की तरफ से नामांकन दाखिल कर दिया। ऐसे में सवाल है कि आखिर रुचि वीरा कौन है? तो आपको बता दें कि वो आजम खान की करीबी मानी जाती है। रुचि वीरा बिजनौर से एमएलए रह चुकी हैं। 2014 से 2017 के बीच विधायक रही थी। 2023 में बीएसपी से एसपी में शामिल हो गई और अब मुरादाबाद से टिकट मिलने के बाद वो सपा नेता एसटी हसन के समर्थकों के निशाने पर आ चुकी हैं। तो दूसरी तरफ रामपुर सीट पर भी काफी कंफ्यूजन है, क्योंकि अखिलेश यादव आखिरी वक्त तक ये तय नहीं कर पाए कि आजम खान का रिप्लेसमेंट कौन हो सकता है, क्योंकि पहले आजम के करीबी आसिम रजा का नाम सामने आया तो अब नदवी का नामांकन हो चुका है। यानी जेल में बंद आजम खान के साथ रामपुर में खेल हो गया और अखिलेश यादव कंफ्यूजन में ये तक तय नहीं कर पाए कि इस उधेड़बुन में उनका स्टैंड क्या है। खैर, मुरादाबाद से आजम खान की करीबी रुचि वीरा और रामपुर से मोहिबुल्लाह नदवी का नामांकन हो चुका है। जी मौलाना साहब, रामपुर से आज आपने नामांकन किया है, किस पार्टी से किया, क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी से किया है और समाजवादी पार्टी की तरफ से ही जो है हमने जो है वो उसी की तरफ से नुमाइंदे वो बता दिया, हमने कई बार बता दिया। अच्छा, ये बताइए क्या मुद्दे आपके रहेंगे? मुद्दे कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के रहेंगे, इंसानियत के रहेंगे। जी अच्छा, ये बताइए आपने आपको जो यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत थी इस बात की कि मोहब्बत का पैगाम जाए, अरे रोक लो यार, और आपस में जोड़ने का पैगाम जाए। मैम, एसटी हसन साहब ने भी अपना नामांकन कल कराया है। देखिए, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, मेरे बड़े भाई हैं, बस इतना ही कहना। तो मैम, क्या एसटी हसन साहब का टिकट कट चुका है? आप उनसे पूछिए ना। पार्टी आला कमान ने आपको क्या मैसेज दिया, आपसे क्या कहा गया? समझते ही होंगे कि मैं पर्चा दाखिल करने आई हूँ, तो कुछ लेके ही आई होंगी। दरअसल आजम खान जेल में है, लिहाजा इस बार रामपुर सीट को लेकर भी सपा में काफी असमंजस की स्थिति नजर आई। आजम खान समेत रामपुर के एसपी नेताओं ने मांग रखी थी कि अखिलेश यादव खुद यहां से लड़ें, लेकिन अखिलेश इस बात से राजी नहीं हुए। खबर ये भी आई कि आजम खान के करीबी आसिम रजा ने पर्चा खरीद लिया, लेकिन फिर मोहिबुल्लाह नदवी का नाम सामने आ गया। यानी एक तरफ मुरादाबाद में अखिलेश की सिरदर्दी बढ़ी हुई थी, तो दूसरी तरफ रामपुर में आजम खान का दबाव था जो अब भी अखिलेश को परेशान करने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो देखा आपने कैसे समाजवादी पार्टी के अंदर गुटबाजी चल रही है और एक सीट पर दो दो प्रत्याशी नामांकन करने पहुंच जाते हैं। लेकिन बात अगर बीजेपी की जाए तो टिकट बंटवारे से लेकर नॉमिनेशन तक हर तस्वीर पूरी तरह से साफ है कि किसे नामांकन करना है, किन किन बड़े नेताओं को उस नामांकन में शामिल होना है, और सब कुछ पूरी प्लानिंग के साथ हो रहा है। और यही वजह है कि बीजेपी के कैंडिडेट्स पर्चा भरने के बाद आत्मविश्वास के साथ जीत का दावा कर रहे हैं। मैं हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता और हमारे जो बड़े नेता आए
जैसे माननीय राठौर जी आए, माननीय हमारे भूपेंद्र जी आए प्रदेश अध्यक्ष, माननीय हमारे नकवी जी आए जो पूर्व हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, तो ये इनका बहुत बहुत आशीर्वाद हमारे साथ रहा है कार्यकर्ताओं के, और उनका प्यार और जो उत्साह देखकर कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि एक तरफा चुनाव है पूरे रामपुर में, और रामपुर में नहीं पूरे प्रदेश, पूरे देश में एक तरफा चुनाव है। मोदी लहर चल रही है और लोग जो दूसरे दल हैं विपक्षी है ना, जो जो ने टिकट मिल गया है तो वो भी सोच रहे हैं कि यार लड़े ना लड़े, और मुरादाबाद की स्थिति आप देख लीजिए, कभी आज ये लड़ेगा कल वो लड़ेगा, ये स्थिति बनी हुई है। पश्चिमी यूपी से सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी शंखनाद कर चुके हैं। आज मथुरा, मेरठ और गाजियाबाद में उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और जनता के सामने हिंदुत्व से लेकर विकास और विरासत से लेकर विकसित भारत तक का मुद्दा उठाया है। इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर अयोध्या के रास्ते मथुरा की बात कह दी। सीएम योगी ने कहा कि हम सभी ने होली खेले रघुबीरा भजन सुना है, लेकिन 500 वर्ष में पहली बार अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने धाम में विराजमान होकर होली के साक्षात दर्शन किए। मथुरा वृंदावन की गलियां भी इंतजार कर रही थी। उन्होंने कहा कि गंगा मैया के बाद अब यमुना मैया की बारी है, क्योंकि ब्रज क्षेत्र समस्या नहीं समाधान देता है। इसी के साथ सीएम योगी ने उन मुद्दों को भी उठाया जिससे हिंदुत्व का झंडा और बुलंद हो सके। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। एक वे लोग थे जो परसों बताते थे और एक हमें कावड़ यात्रा को लेकर चलते, शासन दमदार तरीके से चलेगा और उस दमदार तरीके से चलाना सिखाएंगे। मेरी डिक्शनरी में ना शब्द नहीं होगा, हमें निकालना है तो निकालना है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता, सनातन के ध्वजावाहक और भगवाधारी, ये पहचान है उस नेता की जो यूपी से निकलकर पूरे हिंदुस्तान के दिलों की धड़कन बन चुका है, जिनकी डिमांड यूपी में ही नहीं बल्कि उत्तराखंड से झारखंड तक और बिहार से पश्चिम बंगाल तक है, जो एक बार फिर 24 के चुनावी संग्राम में अयोध्या से मथुरा तक सनातन का संदेश दे रहा है। होली खेले रघुवीरा भजन तो हम लोगों ने खूब सुना, लेकिन सचमुच पहली बार 500 वर्षों में अयोध्या धाम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के नाम अपने धाम में विराजमान होकर के होली के साक्षात दर्शन भी हम सबको कराए, और मथुरा वृंदावन की कुछ गलियां भी इंतजार तो कर ही रही हो। चुनावी मंच से सीएम योगी ने साफ कर दिया कि अयोध्या का उद्धार हो चुका है तो अब इंतजार मथुरा का है, और उन्होंने इसको लेकर जनता के सामने तस्वीर भी साफ कर दी। वहीं दूसरी तरफ इस चुनावी यात्रा में जब सीएम योगी मथुरा से मेरठ पहुंचे तो वहां बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल के लिए प्रचार करते नजर आए और साफ कर दिया, पहले की सरकार भक्तों के रास्ते में शूल बिछाते थे और बीजेपी की सरकार फूल बिछा रही है। एक वे लोग थे जो लोग दंगाइयों को गला लगाते थे, और एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दंगाइयों से कैसे निपटा जाना है उसका एक उपचार भी बताते हैं। लेकिन वे सभाओं के मार्ग में शूल डालते थे। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे ही कहने के लिए आया हूं, बेटी और व्यापारी को सुरक्षा ये केवल भाजपा दे सकती है। यूपी की 80 सीटों पर कमल खिलाने की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ ने अपने कंधों पर ली है। मोदी के बाद जो सबसे बड़ा चेहरा जनता के बीच है वो योगी ही है, क्योंकि मोदी ने गारंटी दी तो योगी ने देश को यूपी मॉडल दिया। अब उसके रिजल्ट का वक्त आ चुका है और इसी को साबित करने के लिए सीएम योगी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शामिल होकर विकास के साथ सुरक्षा का भरोसा दे रहे हैं। कावड़ यात्रा का जब निर्णय था, बहुत कठिन निर्णय था, क्योंकि इससे पहले बैन था, कोई राज्य नहीं निकालने दे रहा था, और ये सब चीजें तय थी पहले से, एक लिखित डॉक्यूमेंट बना हुआ था, उसके अनुसार सब लोग उसको केवल लागू करते थे।
हमने कहा भी क्या है, क्या बैठक हुई? उन्होंने कहा साहब बैठक हो गई। अरे हमने कहा हुआ क्या, क्या तय हुआ? कहा साहब कावड़ यात्रा नहीं निकल पाएगा। तो मैंने कहा फिर हम लोग क्या यहाँ ताली बजाने के लिए आए हैं क्या? हम यहाँ भजन गाने के लिए नहीं आए हैं, भजन गाने के लिए हमारा मठ है, हमें जब गाना होगा मठ में जाएंगे। शासन में आए हैं तो शासन दमदार तरीके से चलेगा और उस दमदार तरीके से चलाना सिखाएंगे। मेरी डिक्शनरी में ना शब्द नहीं होगा, हमें निकालना है तो निकालना है। जनता के बीच करिश्माई क्लेवर, माफिया के खिलाफ सख्त तेवर और मुफीद मुद्दों को उठाकर योगी ने भगवा सियासत के उस अध्याय का आरंभ किया है जो अब 24 के चुनाव में काफी डिमांडिंग है। और यही वजह है कि 5 दिनों में सीएम योगी यूपी में 15 जिलों को नापने वाले हैं, जिसके बाद देश की राजनीति में भी सिक्का जमाने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। एक दिनों में जो परसों बताते थे और एक हमें हम कावड़ यात्रा को लेकर चलते हैं। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। एक तरफ बीजेपी सहयोगी दलों के साथ चुनावी मैदान में है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के साथ ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ साथ जीत का दम भर रही है। लेकिन इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी भी अब मजबूती से चुनावी रण में उतर चुकी है और प्रत्याशियों के सिलेक्शन में धर्म और जाति का बारीकी से मिश्रण किया गया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। एक सीट पर तीन तीन उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं, जिससे बीजेपी की राह और आसान होने वाली है। मायावती अकला चलो की राह पर हैं, अखिलेश यादव अब तक कांग्रेस के साथ मैदान में हैं और बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ 80 में 80 के लक्ष्य पर आगे बढ़ रही है, जिससे इस बात की उम्मीद काफी बढ़ जाती है कि मायावती और अखिलेश आपस में एक दूसरे का वोट काटेंगे, जिसका फायदा बीजेपी को होने वाला है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती एकला चलो की राह पर हैं। अब माना जा रहा है कि मायावती के अकेले चुनाव लड़ने से विपक्षी गठबंधन का खेल बदल सकता है। तो अब देखना ये होगा कि यूपी में त्रिकोणीय मुकाबला किसके लिए क्या परिणाम लेकर आता है। पिछले लोकसभा चुनाव के आंकड़े भी इस बात की गवाही देती है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 7 सीटों पर हार मिली थी, लेकिन 2019 में सपा और बसपा के साथ लड़ने से बीजेपी 16 सीटों पर हार गई। तो क्या बीजेपी का मिशन 80 पूरा होने वाला है? क्या बीजेपी हर सीट पर भगवा लहराने वाली है? क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ इतिहास रचने वाली है? क्योंकि उत्तर प्रदेश का त्रिकोणीय मुकाबला कुछ ऐसे ही संकेत दे रहा है। पहले चरण में पीलीभीत, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, नगीना, रामपुर, कैराना और मुजफ्फरनगर, इन सीटों पर चुनाव होना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये वो सीटें हैं जहां बीजेपी और आरएलडी की मजबूत पकड़ है, तो वहीं समाजवादी पार्टी और बीएसपी अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। आज इंडिया अलायंस वर्सेस बीजेपी ही होगी, इसलिए किसी और का कोई स्थान नहीं है। लड़ाई वन टू वन होगा, आमने सामने होगा, आर पार होगा, भाजपा की विदाई होगी। बसपा जो है वो कहीं ना कहीं इस को त्रिकोणीय मुकाबला बनाने के लिए एडामेंट है और अभी तक उसने अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए और अब वो ना तो भारतीय जनता पार्टी के साथ, ये मायावती पहले ही अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी थी। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का और उन बहुजन समाज पार्टी के बीच कोई अंडर हैंड डीलिंग निश्चित रूप से हुई है और इसका नुकसान इंडिया गठबंधन को ज़रूर होगा। यानी बीएसपी 2024 में अकेले चुनाव लड़ रही है, ऐसे में कुछ सीटों पर इसका डायरेक्ट फायदा बीजेपी को मिल सकता है तो कुछ सीटों पर दलित और लाभार्थी वोट बैंक में फूट से नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। लेकिन जिस तरह मायावती ने पश्चिमी यूपी की ज्यादातर सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी पर दाव खेला है, उससे तो ये तय है कि अखिलेश यादव के मुस्लिम वोट बैंक में
सेंधमारी जरूर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। यूपी के 6 लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और ये बैठक इस दौरान 6 उम्मीदवारों के नाम तय माने जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है, महाराजगंज से सिटिंग एमएलए वीरेंद्र चौधरी को टिकट है तो गाजियाबाद से ज्वाली शर्मा, वहीं प्रयागराज से उज्जवल रमन सिंह को कैंडिडेट बनाया जा सकता है। एसपी के नेता रहे रेवती रमन सिंह के बेटे हैं उज्जवल रमन। सीईसी की बैठक में रखा गया प्रस्ताव, अमेठी से गांधी परिवार की लड़े चुनाव, ये प्रस्ताव रखा गया है। यूपी कांग्रेस नेताओं की ओर से प्रस्ताव लाया गया। साथ ही रायबरेली को लेकर भी प्रियंका गांधी चुनाव लड़े, ये प्रस्ताव उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने रखा, जो प्रस्ताव पास भी हुआ है। रायबरेली और अमेठी पर चर्चा नहीं हुई। 6 सीटों को लेकर आज मंथन हुआ जिनके नाम फाइनल कर लिए गए हैं। वो हम लोगों ने अपना निर्णय पहले ही मीटिंग में दे दिया था, अपने सुझाव दे दिए थे, अब निर्णय नेतृत्व को करना है। शराब नीति घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका लगा है। मामले में अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी। हाईकोर्ट ने ईडी से 2 अप्रैल तक जवाब मांगा है। दिल्ली हाईकोर्ट में 3 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। फिलहाल अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थाली बजा रहे हैं। तो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल बीमारी की बात कह रही हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पूरे देश से थाली बजवा दी, चम्मच थाली सारा देश बोले प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो होगा ही कुछ, भागा करो ना। जो अरविंद केजरीवाल कोरोना काल में थाली बजाने को लेकर देशवासियों और प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि क्या थाली बजाने से कोरोना भाग जाएगा, आज जब वो 338 करोड़ के दिल्ली शराब घोटाले को लेकर ईडी की हिरासत में हैं, तो उन्हीं की पार्टी के नेता थाली बजाकर दिल्ली की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, केजरीवाल के गिरफ्तारी को लेकर विरोध जता रहे हैं। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आप कार्यकर्ताओं के साथ थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया और केजरीवाल को रिहा करो के नारे लगाए। विडंबना यह है कि लालू यादव जैसे नेताओं को अरविंद केजरीवाल कभी भ्रष्टाचारी बताते थे, लेकिन आज वो न सिर्फ उनके साथ हैं, शराब घोटाले में घिरने के बाद वो पूरी तरह से लालू यादव के पद चिन्हों पर चलते दिखाई दे रहे हैं। वर्ष 1997 में चारा घोटाले में जब लालू यादव को आरोपी बनाया गया तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। मैं लालू यादव ने जेल जाने पर अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था। आज जब केजरीवाल जेल में हैं, तो अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली की मुख्यमंत्री बना सकते हैं। केजरीवाल के जेल जाने के बाद सुनीता केजरीवाल 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी हैं और दोनों ही बार उन्होंने उसी कुर्सी पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें बैठकर खुद अरविंद केजरीवाल पीसी करते थे। आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया, मैं अंदर रहूं या बाहर हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है, मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है, आज तक बहुत संघर्ष किए, आगे भी मेरी जिंदगी में बड़े बड़े संघर्ष लिखे हैं, इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। उन्होंने कहा है मेरा शरीर जेल में है लेकिन आत्मा आप सबके बीच है, आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे।
लालू यादव, हेमंत सोरेन जैसे कई नेताओं ने जेल जाने से पहले सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें करने वाले अरविंद केजरीवाल देश के इतिहास में पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने जेल जाने के बाद भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। ये वही केजरीवाल हैं जो कहते थे कि जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे उन्हें तुरंत अपने। और इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर बीजेपी ने नियुक्त कर दिए हैं चुनाव सह प्रभारी। यूपी के लिए 3 चुनाव सह प्रभारी की नियुक्ति हुई है। रमेश बिधूड़ी, संजीव चौरसिया सह प्रभारी नियुक्त हुए हैं। वहीं संजय भाटिया को भी यूपी के चुनाव सह प्रभारी की जिम्मेदारी मिली है। तो बड़ी खबर, एक के बाद एक बीजेपी कदम बढ़ाती हुई दिख रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बड़े बड़े फैसले। स्टार प्रचारकों की लिस्ट के बाद अब बीजेपी ने 3 चुनाव सह प्रभारी यूपी के लिए नियुक्त किए हैं, और वो नाम भी न्यूज 18 आपको बता रहा है।